बहकाने का काम करेंगे, पहले बहकाया फिर दोबारा बहकाने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले एक के नाम पर बहकाया, यानी अगर भाई सब्बर हुसैन के नाम पर बहका लिया तो वो सब्बर हुसैन की औलाद बहुत बढ़िया, फिर वो जो औलाद थी वो खुश निकल गई। ये कितने वोट काटने का काम करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में कोई सा भाई लड़ ले वो सिर्फ वोट कटवा कर ले। इनके यहाँ SC समाज के किसी आदमी की एंट्री भी नहीं, मतलब बैठना भी नहीं दिया, जो 100-200 साल पहले होता था वो सलूक इन्होंने SC समाज के लोगों के साथ किया। बहुजन समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष का कहना था कि मैं 2 घंटे नीचे बैठा रहा, चेयरमैन निकल गया। जो आज मंडल कोऑर्डिनेटर हैं उनका कहना था कि हम दो भर गए, हमारे से कभी बात, और टिकट हमारा ही होगा, और बस अगर हमारा नहीं हो तो किसी का नहीं। यहाँ से मुकाबला है और ये लोग वोट कटवा कैंडिडेट के तौर पर रहेंगे। चौधरी साहब ये कितना वोट काटते हैं ये देखने वाली, ये देखना। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में, मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। आरक्षण की सूची जारी हो चुकी है और उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह तेज हो गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद सहारनपुर की नगर पंचायत नानोता में। नगर पंचायत नानोता का अगर आप इतिहास देखेंगे तो जनपद सहारनपुर की राजनीति से अलग हटकर इस नगर की सियासत चलती है। वैसे तो यहाँ अफजाल चेयरमैन पहले से ही जब से राजनीति में कदम रखा है और आज तक अपना लोहा मनवाते रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात कैसे हैं, मौजूदा स्थिति नगर के अंदर किस तरह की है, क्योंकि पिछले 5 साल यहाँ इनके विपक्षी चेयरमैन हैं और उनका कार्यकाल किस तरह का रहा, क्योंकि ये अपने कार्यकाल के बहुत सारे विकास कार्य गिनवाते हैं कि हमारे कार्यकाल में बहुत कुछ नगर के अंदर किया गया। हालांकि विपक्षी भी अपने दावे पूरी तरह से नगर के अंदर विकास कार्य को लेकर अपनी बात रखते हैं, अपनी बात बताते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति क्या है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट, यहाँ दोनों बसपा में हैं, बहुजन समाज पार्टी में दोनों नेता हैं, अब यहाँ बहुजन समाज पार्टी किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगी, किसको यहाँ टिकट देगी और चुनावी मैदान में उतारेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चेयरमैन साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। किस तरह की स्थिति है, पिछले 5 साल का कार्यकाल अब पूरा हो गया और अधिसूचना जारी होगी आरक्षण को लेकर, तारीखों का ऐलान होना बाकी है, तो अब किस तरह की सरगर्मियां हैं और क्या हालात नजर आ रहे हैं नगर के अंदर? बस अभी तो सरगर्मियां हल्की हैं, मान लो रमजान चल रहे हैं जी, रोजे चल रहे हैं, तो मान लो पहले चला था चुनाव, जब चला तो फिर चुनाव रुक गया था, अब लेकिन फिर चलो शुरू होगा, तारीख आ जाए, क्योंकि कभी कुछ और फचड़ाना पड़ जाए, आपत्तियां लगेंगी, आपत्तियां हैं दूसरे, क्या पता कोई कोर्ट चला जाए फिर क्या हो, तो 10 तारीख के बाद होगा। रही बात मान लो हमें अपनी तैयारी चौधरी साहब वो करते हैं जो फील्ड से बाहर हो, अगर भाई फील्ड से बाहर थे अब आ गए फील्ड में, अब हम तैयारी करेंगे भाई हमने ये करना वो करना, हमने तो जिस दिन से हारे थे उसी दिन से अगले दिन से जू के तू जनता के बीच में है, लोगों के काम करने कर रहे और सबके साथ खड़े 24 घंटे, तो हमें तो कोई तैयारी का कोई वो ही नहीं है किसी हिसाब का कि हमें क्या तैयारी करनी। रही बात मान लो दूसरी पार्टी के लोगों की, वे सो रहे थे, वे अपनी तैयारी करेंगे बहकाने का काम करेंगे, पहले बहकाया फिर दोबारा बहकाने की कोशिश करेंगे कि भाई पहले एक के नाम पे बहकाया, यानी अगर भाई सब्बर हुसैन के नाम पे बहका लिया तो वो सब्बर हुसैन की औलाद बहुत बढ़िया, फिर वो जो औलाद थी वो खुश निकल गई, तो फिर वो अगर दूसरे का नाम रख दिया भाई ये तो खराब था, अब ये ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों का यहाँ से यू कहना है 8-10 है, कहने लगे यू करते करते तो 50 साल निकल जाएंगे। अच्छा। अगर भाई ये खराब था, अब दूसरे को देख लो, दूसरा खराब है, तीसरे को देख लो, तो इस पर ब्रेक लगाने का आपकी बार जनता क्या सोच रही है, आपकी बार ब्रेक लगेगा या फिर ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं नहीं, ब्रेक 100% ब्रेक लगेगा इंशाल्लाह, और ऐसा ब्रेक लगेगा कि ये लोग खड़े खड़े देखेंगे कि ना काम करने का, लोगों का बेवकूफ बनाने का, झूठ बोल के राजनीति करने का अंजाम क्या होता है, वो अंजाम इनका होगा। चेयरमैन साहब, जिले के अंदर नगर पंचायत नानोते की अगर बात करें तो जिले से अलग हटकर यहाँ राजनीति होती है, किसी भी नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद में इस तरह की सियासत नहीं होती। यहाँ एक तरफ बताया जाता है, हम सुनते हैं कि यहाँ एक परिवार पैसे को लेकर बहुत ज्यादा हवा खड़ा करता है, एक तरफ यहाँ काम का आदमी जो जिसका नाम दबी जुबान लोग आपका नाम भी लेते हैं, हालांकि काम वो भी कर रहे हैं लेकिन लोग आपका नाम लेते हैं, तो यहाँ दो चुनौतियां आपके सामने, एक तरफ पैसा और काम, तो किस तरह से पार पाएंगे इन दोनों चीजों से?
देखो पैसा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, मान लो पैसा है लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। दूसरी बात, हर चीज का थोड़ा तड़का सा लग जाता है साथ में, मतलब जैसे कोई नया कैंडिडेट हो, नया कैंडिडेट आके कहता है कि भाई मैं यूं करूंगा मैं करूंगा, दूसरे उसके पास थोड़ा पैसा भी हो तो लोग सोचेंगे ना कि भाई ये मान लो, हम तो अपने यहाँ की कंडीशन बता रहे, जब ये हमारे सामने मुकाबिल हुए तो इन्होंने लोगों को लुभाना शुरू करा, तो लोगों के दिमाग में आया कहने लगे यार जब ये बिना चेयरमैन बने इतना कुछ कर रहे हैं तो कल को जब ये बन जाएंगे वो फिर तो शायद इस कस्बे में लोगों को कुछ करना पड़े, बस कहेंगे इनको जाके यार भाई हमारा काम हो जाएगा। अब वो उसका हुआ बिल्कुल उलट, मतलब जिस दिन वोट पड़े इन्होंने तो वोट खुलने का भी इंतजार नहीं किया कि जो ये मदद लोगों को दे रहे थे समाज सेवा के नाम पे लोगों को बहका रहे थे या उनको बेवकूफ बना रहे थे कि हम समाज सेवी हैं, तो उसका ये भी इंतजार नहीं करा कि ये वोट खुल ही जाए। जिस दिन शाम को 5 बजे वोट पड़े उसी दिन सब कुछ क्लोज बंद कर दे, तो इससे क्या कहेंगे कि यानी इसको तो वो ही कहेंगे ना कि लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। और जनता कस्बे की समझ गई, बच्चा बच्चा समझ गया। अभी जो पीछे से चुनाव चला तो कैंडिडेट को खुद पता है, तो अच्छा दूसरी बात एक निकल के आ रही, पहले तो वे दोनों भाई लड़ रहे, मेरे से कहां लड़ रहे, मैं तो बीजेपी वालों से लड़ रहा जी, वे दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो भाइयों का मसला है ना, वो तो खुद कर लेंगे। हाँ हाँ वो कर ले, मैं नहीं कर रहा अभी, तो वो जो बात अगर कोई तैयारी है, मगर मेरा तो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला है, लेकिन अभी तो वे दोनों भाई घर में ही लड़ रहे हैं ना, जब वे लड़ लुड़ के निमट जाएंगे फिर जब मेरे सामने आएंगे फिर देखूंगा कि ये कितने वोट काटने का काम करेंगे, क्योंकि इस चुनाव में कोई सा भाई लड़ ले वे सिर्फ वोट कटवा कैंडिडेट है, कि उनका सिर्फ एक ही ध्येय है कि ज्यादा से ज्यादा वोट लेने का काम करें और हम जीतते ना जीतते अफजाल खान को हराना है और चाहे भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ये उनका ध्येय है और उसी मोटिव पे वो पूरा काम करना है। पिछले दिनों हम आए थे तो उन्होंने कूड़ा करकट को लेकर डंपिंग ग्राउंड, कुछ सड़कें और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी गिनवाई थी, तो वो जमीन पर क्या उन्हीं की योजना में उतरा या उससे पहले वो प्रोजेक्ट रुके हुए थे जो उन्होंने आके उसको अमली जामा पहनाया? नहीं 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 मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको अब भी बता रहा हूँ, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करा जो एक्स्ट्रा लगे। डंपिंग ग्राउंड ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक पैसा दिया इन्होंने। देखो चौधरी साहब इसमें क्या होता है, भाई विधायक जी हैं कोई सांसद जी, सांसद की निधि होगी और विधायक की निधि होगी, मतलब विधायक मुख्यमंत्री से मिलके अपने मामलात को बता के काम लाने का काम करे, मान लो अपनी विधानसभा में भाई निधि तो कितनी 5 करोड़ रुपए लगाने हैं, एक साल में 50 करोड़, तो 45 करोड़ रुपए मान लो मुख्यमंत्री जी से एडजस्ट करें, अलग अलग वो मांगे, तो वो एक होशियार विधायक कहा जाता है, वो ही कहानी एमपी की है। रही बात चेयरमैन नहीं, हमारे यहाँ राजवित और पहले 14वां भी था, 15वां मेरे ख्याल 16वां चल गया, 15वां भी थे, तो ये दो एक तरह से सिस्टम है, ये तो आना ही आना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक्स्ट्रा इस कस्बे के लिए जो तो अगर से क्या लाए, अगर जी हमने इसमें डंपिंग ग्राउंड बना दिया, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वो था 15वां, ये तो होना ही था, आपने क्या किया, आपने क्या नाम मान लो भाई एक तालाब सौंदर्यकरण चल रही थी, वहां तालाब पड़ा, बताओ सौंदर्यकरण कराया, जल निकासी की योजना चलाई गवर्नमेंट ने, आपने मान लो कौन सी जल निकासी करवाई, क्या कराई, एक आदर्श योजना थी, आखिर में मैंने पहले बताया इत्तफाक से आदर्श का पैसा यहाँ आ गया, नहीं तो इनकी कोई कलाकारी नहीं है। जब कितना अमाउंट आया? 4 करोड़ रुपए। अच्छा 4 करोड़ रुपए वो आया वो, लेकिन आखिर में आया, अब वो उसकी ऐसी बंदर बाट हुई, अब उसका अगर इनके टाइम में लगता जब भी वही होता, लेकिन जब ये चले गए घर वो उसके बाद लगा, तो तब उसकी ऐसी बंदर बाट हुई, तो उसका सबका हिसाब होगा, सरकार का पैसा है, वो भी तो जमीन पे नहीं उतर पाया सही तरीके से। ना 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 कोई जमीन पे नहीं है, सब मैंने बताया ना बहुत बड़ा घोटाला है, ये चुनाव होने तो बहुत लोग इस चीज का जवाब देने का काम करेंगे, ये भी जवाब देंगे, जो और लोग हैं वे भी जवाब। नगर के अंदर क्या खास होना चाहिए था जो पिछले 5 साल इनके गुजरे, जो यहाँ जरूरत है जिस चीज की, आम आदमी जिससे जूझ रहा है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या मोहल्ला शेखजादगान में जल निकासी की है। हमने जब पिछली बार मान लो जल निकासी की, वहां पे हमने नाले निकालने का काम किया, लेकिन जहां जहां को नाले थे हमने वहीं को घुमा के ले जाने का काम किया, लेकिन जो हम सोच रहे थे जिस हिसाब से समस्या खत्म हो जानी चाहिए तो वो उसकी हुई नहीं, तो हमने फिर इसका सोचा कि इसका एक समाधान है सीवर लाइन।
उसका एक तुम्हारे यहाँ मान लो शेखजादगान में सीवर लाइन गिरनी जरूरी है, जब जाके 1/2 हिस्से कस्बे का समाधान हो जाए, पानी फिर सही निकले पानी का। दूसरे हमारे यहाँ पार्क नहीं है, सुबह को लोग सड़कों पे फिरते, कई तो एक्सीडेंट हो लिए, 2-3 लोग तो मर भी लिए। तो मेरा दूसरा फंडा है कि मतलब दूसरा जो मेरा एजेंडा है कि इसमें कि मान लो यहाँ पार्क होना चाहिए, उसके लिए हमने जगह चिन्हित कर रखी, हमारे एजेंडे में है। अब किसी ने क्या करा नहीं करा, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, जो भी राज भी चौदवा भी था पूरा का पूरा डकार गए। मैं बता दो रहा तुम्हें कि क्या नाम उसका सब हिसाब लिया जाएगा। अब वे फिर उसी रेटी पे चल रहे हैं कि जी इसको 10 रुपये से पैसे दे दो, इसकी मदद कर दो, इसको यूं कर दो। लेकिन अब जनता समझ गई उन्हीं का पैसा है, सरकार का पैसा था, इन्होंने खा रखा, तुम भी खा लो, खा जाएंगे सब। तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि जब रिजल्ट निकलेगा तब देखना कि ये क्या सोच। कुल कितने वार्ड है नगर पंचायत? 13 वार्ड। 13 वार्ड है, तो 13 प्रत्याशी तैयार है, पूरी तरह से कमर कस चुके हैं, मीटिंग हो चुकी है, ऐसा नाम अभी फाइनल नहीं है। हमारे यहाँ वो वाला सिस्टम चलता नहीं वार्डो वाला, और वार्ड में क्या है कि हमारे यहाँ सहमति नहीं बन पाती, एक एक वार्ड में 3-3-4 लोग खड़े रहे, तो उसे फ्री कर देते हैं आप लोग, वो फ्री है सारे वार्ड। तो कुल मिला के बात यह है, नगर पंचायत के अंदर पूरी तरह से आप कमर कस चुके हैं, लेकिन यहाँ बसपा का कैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ आप दोनों नीले झंडे के नीचे हैं, तो बसपा का बड़ा अजीब माहौल है, किस तरह से आप पार पाएंगे उसे? देखो मेरी बात सुनो, ये जो लोकल चुनाव होता है जो पार्टी बेसिस पर कम हो, फेस वैल्यू पे ज्यादा, बिल्कुल, आपने क्या काम किया क्या नहीं। अब एक बात बताओ, ये पिछले चुनाव में जो हमारे विपक्षी हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद इनके यहाँ SC समाज के किसी आदमी की एंट्री भी नहीं थी, मतलब बैठना भी नहीं दिया, जो 100-200 साल पहले होता था वो सलूक इन्होंने SC समाज के लोगों के साथ किया। अगर बहुजन समाज चुनाव बसपा से ही लड़े थे, बसपा से ही लड़े थे उन लोगों ने, सबने 110% वोट इनको दिया था, पूरी जान लगा के दिया था। मैं जब चेयरमैन था, मैंने 5 साल मेरा ज्यादातर फोकस दलितों पर था, तो लेकिन दलितों ने मुझे कुछ नहीं मालूम कोरा निकाल दिया, मेरी बात को नकार दी, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के नाम पे, बहन जी के नाम पे इनको टिकट मिला था तो इनको वोट देने का काम किया, और इन्होंने उनके साथ ये सब किया। अब की बार का हालात यह है कि अगर बहन जी मान लो कोई भी ये बहुजन समाज पार्टी के जिले के नेता है, कोई सब तरह के, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उनको भी पता है, उनको भी बैठना नहीं दिया, मतलब एक तो जनता को तो छोड़ दो, बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष का कहना था कि मैं 2 घंटे नीचे बैठा रहा, चेयरमैन ने उतर गया। जो आज मंडल कोऑर्डिनेटर है उनका कहना था कि हम 2 बार गए, हमारे से कभी बात नहीं करी है जी। जो यहाँ लोकल के नेता है उन सबका कहना था जी हम 5-5 घंटे बैठे रहे, हमारे से नहीं मिला। तो बहुत बड़ा आरोप है उन लोगों का। हाँ, और अब वे किस मुंह से इन लोगों की कोई भी बात कर रहा है भाई इनको टिकट हो जाएगा, मुझे तो ताज्जुब इसी बात का हो रहा ना भाई, अजमाए को अजमाए वो बड़ी बात को अजमाए को अजमाए वो, और फिर वो क्या है ना जी, तो बस समझो। तो आपको लगता है कि आप जो है मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं बसपा में, आपकी टीम लगातार आपकी पैरवी कर रही है? मेरी टीम देखो, बहुजन समाज पार्टी में हमने किसी नेताओं से कोई कांटेक्ट करके बहुजन समाज पार्टी में गए, हम पहले से बहुजन समाज पार्टी में रहे, हमने राजनीति बहुजन समाज पार्टी से की 10-11-12 साल तक कंटिन्यू बहुजन समाज पार्टी में राजनीति करने के बाद, फिर जब हमें कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि यहाँ मान सम्मान की कमी है, तो हम वहां से नेताजी की साथ चले गए थे, MP साहब की, काजी रशीद मसूद साहब की और इमरान मसूद साहब की। तो जब हम इनके साथ चले गए थे तो उसके बाद से हमने राजनीति उनके साथ कर रहे थे, लेकिन अब फिर वापसी मान लो बसपा में है तो मान लो हमें तो पता है, लेकिन जो हमारी लोकल की टीम है सबसे हमने उनसे मशवरा करी और हमें पता है कि लोकल में ही ताकत है, लोकल के लोग जब लगेंगे जो हमारे साथी हैं, हमारे संगठन के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, और मेरे राजनीतिक गुरु हैं जगपाल सिंह, जो पुराने बसपाई हैं, केराना लोकसभा के प्रभारी रहे, विधानसभा अध्यक्ष देवबंद विधानसभा के रहे, गंगो विधानसभा के अध्यक्ष रहे, जिले में भी मान लो जिला प्रभारी के उसमें रहे, तो वे बहुत मजबूत है। और मान लो हमने उन लोगों से सलाह की थी और हमने कहा था भाई कल को जो आज हो रहा कभी वो होने लगे, तो उन्होंने कहा था नहीं कुछ भी हो हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, और भाई हमारी लड़ाई बखूबी पूरा लड़ने का काम करे और हम मुतमईन है और टिकट हमारा ही होगा, और बस अगर हमारा नहीं हो तो किसी का नहीं होगा, तो किसी का भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, या तो टिकट हमारा होगा नहीं तो किसी का नहीं होगा, फिर सब लड़ो। अच्छा, मुद्दे क्या हैं नगर के अंदर, अब जाएंगे आप, खास मुद्दे क्या है जो लोगों को आप बताएंगे समझाएंगे, भी अगर हम आए तो ये कुछ नया होगा? ऐसा है, हमारी
देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जो हमारा कार्यकाल रहा 12 से 17 तक का, उससे जनता बहुत खुश थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि समाज सेवा के नाम पे इन लोगों ने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करके, लोग एक बार बेवकूफ बनते बार बार नहीं बनते, वो बन गए थे, नहीं तो हमारे कार्य करने की शैली से लोग 12 से 17 तक वाली से बहुत खुश हैं। उन्होंने उसके मुकाबले 0% भी कोई काम करने का काम नहीं किया। लोगों से मिलने वाला जो मैटर था मेरा, मालूम मुझे कोई कहीं बुला ले, कहीं मिल ले, कहीं साइन करवा ले, वो चीज उसमें बिल्कुल जीरो। विकास कार्य मैंने 25 करोड़ का कराया इस कस्बे में, उसमें जीरो है जी। और रही बात भाई किसी के भी दुख दर्द में खड़े होने वाली बात में, जीरो। तो मेरे मुकाबले किसी चीज में तो ये रहे नहीं। अब मैं इन चीजों को मैं जिस तरीके से पहले काम कर, हाँ लेकिन जो काम मेरे रुक गए थे, मान लो मैंने कहा मुझे पार्क बनाना है यहाँ लोगों के लिए, ठीक है नहीं, और एक मान लो जितने भी यहाँ खेल के लिए, युवाओं के लिए भी कुछ होना चाहिए, हाँ तो उसके लिए भी है, खेल के मैदान के लिए जमीन खरीदने का काम होगा अगर वैसे मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो दूसरे मान लो और जो जितने भी हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हुए उनके नाम पे जितने भी एंट्री द्वार है कस्बे में, तो वो मैं बनाना चाहता हूँ जिससे कस्बे में लगे कि क्या नाम यहाँ वो है। दूसरे क्या नाम, ये जो गंगो देवबंद रोड है इसको 4 लेन करने के बाद और बीच में डिवाइडर करके बीच में लाइटिंग सिस्टम जो है वो जैसे शहरों में बाहर तक निकाल देंगे, बाहर तक निकालने का ये मेरे एजेंडे में है। और दूसरे जो जल निकासी का मैंने आपको बताया शेखजाद गान वाला सीवर वाला, वो मेरे एजेंडे में है। और एक बारात घर का, एक मान लो एक फ्री वाईफाई, वो तो मैंने ऐलान कर दिया। अच्छा, नगर के अंदर फ्री वाईफाई सेवा देंगे, वाईफाई देंगे पूरी से। अच्छा, अच्छा आखिरी और अंतिम सवाल, जिले के बहुत बड़े नेता हैं, उत्तराखंड प्रभारी भी हैं, बसपा में नई नई एंट्री और पूरी भागदौड़ कर रहे हैं उत्तराखंड में भी और आजकल यूपी में भी, इमरान मसूद साहब, उनसे किस तरह के टर्म्स हैं आप लोगों के? बहुत अच्छे टर्म्स हैं, वे हमारे बड़े भाई की तरह है, हमें छोटा भाई। और मैं तुम्हें वैसे तो उनके बहुत खास लोग भी हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिले में वो मुझे सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं बातचीत में। मान लो जो मैंने महसूस किया, मान लो वो मेरा सम्मान करते हैं, मैं उनका करता हूँ, क्योंकि कुछ है मामला, हम भी बहुत नेताओं के साथ रहे, मान लो करीब करीब सबसे ही हमारा संपर्क है। तो जो मामला उनका है नेताजी का, मान लो किसी का नहीं है, और उनको मान लो काम करने का उनमें कैपेसिटी है, ताकत है, तो वो सारी चीजें हैं। मान लो अधिकारियों से किस तरह बात, देखो राजनीति में क्या है, राजनीति में पद का नहीं कुछ भी होता, कि आप अपनी बात कितनी मजबूती के साथ अधिकारी के सामने रख रहे और अधिकारी का तुम्हारी बात पे क्या फर्क पड़ रहा है। अब यानी आप कुछ कहो जाओ अधिकारी सुन भी नहीं रहा, क्या फायदा है। तो अब यहाँ हम अपने इस लोकल में, ये जो हमारा नौरता क्षेत्र है, ये आपने एक सवाल पहले भी किया था कि भाई हम लोग अलग रहे, मतलब हम अलग का कारण क्या है, पहले हम हरिद्वार लोकसभा में रहे, हाँ बिल्कुल है जी, फिर हम मान लो फिर हम मुजफ्फरनगर में रहे लोकसभा में, फिर हम कैराना लोकसभा में चले गए, तो लोकसभा में बिरान हो रहे हम, पहले देवबंद विधानसभा में थे, अब गंगो विधानसभा में। तो ये जो नौत्ता क्षेत्र है, ये थोड़ा सहारनपुर की राजनीति से कटा सा रहे, और इस एरिया के, इस एरिया का मामला यहाँ पे ऊपर वाले का शुक्र है कि मुकाबला हमारे से है, जिस किसी का भी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई मुस्लिम समाज में विपक्षी हो, चाहे कोई हो, लेकिन हमें ध्रुव विरोधी मानने सबका। अभी एक छोटा सा चुनाव हुआ सोसाइटी का, बीजेपी ने जो हमारे विपक्षियों ने मिलकर सारों ने हमें घेरने का काम करा, वही 35 वोट से हमारे से जीतते जी। तो अब आज की कंडीशन ये है चौधरी साहब, अब हम अकेले मान लो 440 वोट मिले, इन्हें सारी दुनिया को 55 नेता थे, इन्हें 475 मिले, बहुत नजदीक की राम का। हाँ तो मैं बता दो रहा कि हमें घेरने के लिए बहुत प्लान बनाना पड़ता है इन्हें। अच्छा रही बात चेयरमैन का चुनाव होगा, बीजेपी वाले अपना लड़ेंगे, बीजेपी वाला जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल। तो क्या नाम, ये अपना लड़ेंगे तो ये कहीं नहीं पाने, मैंने बताया ना लोग मुकाबला बीजेपी से अपना, हाँ बीजेपी से मुकाबला है, और ये लोग वोट कटवा कैंडिडेट के तौर पर रहेंगे चौधरी साहब, ये कितना वोट काटते हैं ये देखने वाले, ये देखने। चलिए, ये वार्ता थी हमारी पूर्व चेयरमैन अफजल खान साहब के साथ, नगर पंचायत नानोता के अंदर जिस तरह से इनके कार्यकाल चला और अब मौजूदा स्थिति किस तरह की है उसके बारे में इन्होंने बखूबी बताया। जिले के अंदर जिन नेताओं से इनके अच्छे खासे टर्म्स हैं वो भी इन्होंने जिक्र किया, नगर के अंदर क्या कुछ नया होगा आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने बखूबी से अपने प्लान के बारे में बताया, और मौजूदा स्थिति दूसरे पक्षी द्वारा जो यहाँ मौजूदा चेयरमैन उनके द्वारा क्या कुछ हुआ था वो सब कुछ इन्होंने आपको खोलकर बता दिया। तो ये थे पूर्व
चेयरमैन अफजल खान साहब ननौता नगर पंचायत से एक बार फिर अपनी मजबूत दावेदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए। कैमरा पर्सन सिकंदर अली के साथ मैं इसराइल चौधरी। नमस्कार।